असलम स्टूडेंट्स टू डेज ग्रैमर लैक्चर एंड आवर टॉपिक इज टेंसूड टेंथ मीन्स टाइम और पीरियड टेंथ मीन्स टाइम और पीरियड बेसिकली टेंथ शोज डेट वैन सम एक्शन हैज डन एंड स्टूडेंट्स देर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस प्रेजेंट पास फ्यूचर प्रेजेंट मीन्स मौजूदा टाइम मीन टाइम विच इज गोइंग ऑन पास मीन्स गुजरा हुआ टाइम टाइम विच वी हैव स्पेंड एंड फ्यूचर मीन्स आने वाला टाइम कमिंग टाइम टूडे आवर टॉपिक इज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस स्टूडेंट्स यू नो प्रेजेंट मीन्स मौजूदा एंड कंटीन्यूअस मीन्स जारी इट शोज़ द हैपनिंग और कंटिन्यूटी ऑफ सम एक्शन प्रेजेंट कंटिन््यूअस मीन्स मौजूदा टाइम एंड इट शोज डैथ एक्शन विच इज हैपनिंग और कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन स्टूडेंट्स इन उर्दू द रिक्शन ऑफ प्रेजेंट कंटीन इज डैट रहा है रही है रहे हैं वी यूज रहा है रही है रहे हैं एट द एंड ऑफ सेंटेंस रहा है रही है रहे हैं शोज द कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन स्टूडेंस देर आर थ्री हेल्पिंग वर्बस ऑफ प्रेजेंट कंटीन इज एम आर विद सिंगुलर नेम और ही शी इट वी यूज इज With I, we use M. And with plural name or we, they, you, we use R. R we use, you know, very well for more than one person. That's why with plural names or we, they, you, we use R. And with singular, we use is. And with I, we use M. Students look at the structure of present continuous tense. In order to make sentence, firstly we use subject, then helping verb. Later on, we use verb, and in present continuous tense, we always use first form with ing. And then we use object. Student, you know what is subject? Student, subject. इज़ डैट परसन हु परफॉर्म्स एक्शन एंड वब वब इज एक्शन वर्ड इट शोज डैट वर्क विच इज गोइंग ऑन एंड ऑब्जेक्ट इट शोज़ दैट परसन और थिंग ओन विच और होम वर्क इज गोइंग ऑन लाइक लुक एट दिस सेंटेंस वो स्कूल जा रहा है हेयर वो इज आ सब्जेक्ट बिकॉज हेयर सब्जैक्ट इज परफॉर्मिंग एक्शन एंड जा रहा है इज एक्शन वर्ड इट शोज वर्क विच इज गोइंग ऑन डैट्स वाई इट इज वर्ब एंड द वर्क इज गोइंग ऑन स्कूल डैट्स वाई इट इज ऑब्जैक्ट वो स्कूल जा रहा है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर फर्स्ट वी विल यूज हेयर सब्जैक्ट ही धैन हेल्पिंग वर्ब इज एंडन वर्ब विद फर्स्ट फार्म गोइंग गो इज फर्स्ट फार्म एंड वी हैव यूज येयर आई एन जी विद फर्स्ट फॉर्म गोइंग एंड देन वी यूज़ ऑब्जेक्ट टू स्कूल वो स्कूल जा रहा है नो दैट ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस इज डेट ही इज गोइंग टू स्कूल नेक्स्ट हम खाना खा रहे हैं ये अकोर्डिंग टू हम वी यूज हेरप आर विद वी वी ऑलवेज यूज़ आर वी आर हीटिंग फूड होफुल स्टूडेंट्स यू गोट माई पॉइंट टूडे आवर कन्सेप्ट इज प्रेजेंट कंटिवस टेंस प्रेजेंट मीन्स मौजूदा एंड कंटीन्यूस मीन्स जारी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस शोज द कंटिन्यूटी और हैपनिंग ऑफ सम एक्शन एंड इन उर्दू इट्स रिकोगे इज़ रहा है रही है रहे हैं एंड देर आर थ्री हेल्पिंग वर्ड्स ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इज़ एम आर विद सिंगुलर वी यूज इज़ एंड विद आई वी यूज़ एम एंड विद्रूलर वी यूज़ आर now students you will create 5 sentences by yourself while using present continuous tense